आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सहजनवा थाना क्षेत्र में दबंगों ने धीरज पांडे को मारी गोली, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मृत्यु। एसएसपी ने कहा परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर की जाएगी आगे की कठोर कार्यवाही। लूट करने वाले तीन अभियुक्तों को कैंपिरगंज थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। लूट का एक मोबाइल, पर्स, वाहन की चाबी, एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। स्वतंत्रता दिवस पर गोरखपुर रचेगा देशभक्ति का नया इतिहास। विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र रामगढ़ ताल पर राष्ट्रगान के ऐतिहासिक आयोजन की है तैयारी। तिरंगा लेकर सामूहिक राष्ट्रगान गाएंगे 1,00,000 लोग। जश्न आजादी पर पर्यटन संघ उमड़ेगा देश प्रेम का ज्वार। 1,00,000 लोग हाथों में तिरंगा लेकर गाएंगे वंदे मातरम और जनगण मन। ग्राम पिपरा मुगलाना में एक महिला का शत्रुधन निषाद के खेत में गाड़ा मिला शव। मौके पर पहुंची पिपराइस थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। एसपी नॉर्थ ने कहा मृतक की मां की तहरीर पर दामाद के ऊपर दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। स्वतंत्रता दिवस पर सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की रहेगी ड्यूटी। अराजक तत्वों पर पुलिस की रहेगी नजर। एडीजी जोन ने कहा बिना परमिशन के ना निकाले कोई रैली या जुलूस। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एडीजी जोन अखिल कुमार ने 112 के पीआरवी वाहन के तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से किया रवाना। तिरंगा वाहन रैली का तेनुआ प्लाजा पर जिलाधिकारी व एसएसपी ने ध्वजारोहण कर किया समापन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक एवं सूचना विभाग द्वारा अभिलेख एवं छायाचित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने छायाचित्र प्रदर्शनी का फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा 14 अगस्त को भाजपा मना रही है विभाजन विभीषिका के रूप में, प्रदर्शनी के माध्यम से विभाजन को किया जा रहा है प्रदर्शित। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सपाइयों के द्वारा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक निकाला गया पैदल तिरंगा यात्रा। अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस लाइन से निकाली गई तिरंगा यात्रा को एम्स गोरखपुर की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा हर क्षेत्र में महिलाओं का समाज में पूर्ण रूप से समानांतर है योगदान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ वृहद गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा महिलाओं की आय को दुगना करने के लिए संगोष्ठी का हुआ आयोजन। आजादी के 75वीं वर्षगांठ एवं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में फायर सर्विस द्वारा निकाला गया भव्य तिरंगा यात्रा। सीएफओ डी के सिंह ने कहा तिरंगा के माध्यम से किया जा रहा है जन जागरण। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत स्काउट और गाइड गोरखपुर इकाई के द्वारा निकाला गया साइकिल तिरंगा यात्रा। देश को आजाद कराने वाले वीर अमर शहीदों को किया याद। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया मौन जुलूस। कहा 14 अगस्त 1947 को लाखों लोग बेघर और हजारों की संख्या में कत्ल हुए थे, उसी के संदर्भ में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस।